चलिए नेक्स्ट है फोर नंबर। फोर नंबर में क्या कहा गया है उस पर वो डिस्कस करें। ये है टू साइन स्क्वायर थ्री पाई बाय फोर, फिर है प्लस टू कॉस स्क्वायर पाई बाय फोर, फिर है प्लस टू सेक स्क्वायर पाई बाय थ्री। ये है टू सेक स्क्वायर पाई बाय थ्री और ये इक्वल टू टेन होगा। ये चीज आपको प्रूफ करना है, ठीक है? ये इक्वल टू टेन होगा, ये चीज आपको प्रूफ करना है। हम लोग एलएचएस में पढ़ लेते चलते हैं। ये टू है, टू हो जाएगा, साइन स्क्वायर है ये, तो साइन स्क्वायर है, फाइनली ये स्क्वायर है, तो यानी कि ऐसे करके हम लोग इसको स्क्वायर भी देंगे। अब थ्री बाय बाय फोर को हम लोग इस तरह से लोग ब्रेक करेंगे, क्योंकि ये थ्री बाय बाय फोर जो है इसका हम लोग वैल्यू हमको पता नहीं है, ठीक है, कि थ्री बाय फोर का क्या वैल्यू होगा साइन पर। तो हम लोग इसको जो है इस तरह से इसको घटा करके ये जोड़ करके ऐसे चीज जगह ला करके इसको खड़ा कर देंगे जहां पर कि इसका वैल्यू हमको पता हो, ठीक है? क्योंकि साइन और कॉस का जो रेंज है वो वन से लेकर के माइनस वन तक के बीच में ही घूमते रहता है, तो जहां भी होगा वो एक ही जैसा होगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये थ्री बाय फोर है, तो हम लोगों को ये चीज देखना है यहाँ पर कि फोर का नियरेस्ट मल्टीपल जो कि थ्री के करीब हो तो वो वन होगा, तो वन होगा ये, और माइनस अगर हम पाई बाय फोर कर दें तो क्या हम वो थ्री पाई बाय फोर ये बन गया, फोर वन जा फोर माइनस वन थ्री पाई ऊपर में और बटे फोर, ठीक, प्लस दे दीजिए टू है, टू दे दीजिए। अब कॉस पाई बाय फोर मतलब कि कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो वन बाय रूट टू होगा और इंटू में वन बाय रूट टू का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, प्लस टू इंटू सेक स्क्वायर पाई बाय थ्री मतलब कि सेक पाई बाय थ्री मतलब कि सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो sec 60 मतलब तो cos 60 का वैल्यू क्या होगा मेरा, तो cos 60 का वैल्यू होगा 1 by 2, तो sec 60 का वैल्यू होगा केवल 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये मेरा 4 आएगा, ठीक, तो इधर तो मेरा प्लस 8 आ गया, यहाँ पर 2 हो गया गुणा इसको अगर करेंगे तो ये 1 by 2 ही होगा जो कि यहाँ कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 2 है गुणा, अब ये देखिए साइन स्क्वायर है, इसको करेंगे तो ये पाई बाय 4 ही होगा, क्योंकि पाई में से कुछ घट रहा है तो ये पॉजिटिव में ही जाएगा, चूंकि पाई माइनस फोर इसमें घट रहा है, पाई यहाँ पर होगा और पाई में से कुछ अगर घटेगा तो ये कहाँ जाएगा मेरा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट मेरा साइन होता है पॉजिटिव, तो फाइनली ये इस तरह से रह जाएगा टू इंटू साइन पाई बाय फोर का वैल्यू टू वन बाय रूट टू का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस वन और प्लस एट, तो प्लस नाइन तो इधर हो गया और यहाँ पर अगर करेंगे हम लोग ये 1 by 2 और ये 2 2 यहाँ रहेगा कट जाएगा, ये कि मेरा 1 बचा या 9 बचा, तो जो है कि 10 आ गया ये और ये RHS इस बन गया, ठीक है? तो इस तरह से जो है ये इक्वल टू 10 है और ये 2 हो गया।